भी पीते जम जम हैप्पी दिवाली मानो थोड़ो हैप्पी दिवाली आज भारत लाइट से हैप्पी दिवाली आप सबको। अब बस अभी उठाऊ जस्ट अभी और मानू और थोर मुझे उठाने आ गए। अच्छा कैमरा में तो मार अच्छा बैठ जा पहले बैठ हाँ अब थाली हेलो थोड़ो हेलो नहीं इसे छत पे ले चल देख क्या करेगा ये छत पे चलते हैं चलो आ चल करी चल मैं चलूंगी आ जा स्पीड देखो इसकी स्पीड अरे लाइट बचा लियो कहाँ जाना भाई तेरे को चल बाहर जाना अच्छा ये ले चल लाइट नहीं तो भाई आज दिवाली का दिन है बुराई पे अच्छाई की जीत है और भाई खुश रहो खुश रहने का दिन है बस और अपने परिवार के साथ बनाओ जितना हो सके कोशिश ये करो कि परिवार के साथ दिवाली मनाओ खुश रहो बस थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया पर मेन मोटिव यही होता है दिवाली का इसके पीछे रीजन यही है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी और आगे आगे भी यही होगा जब कुछ कर लो बुराई के ऊपर अच्छाई की ही जीत होगी और खुश रहो अपने माँ बाप के पास रहो अपने भाई बहन के पास रहो उनकी इज्जत करो सारे खुश रहो अपने दोस्तों के साथ रहो देखो पोस्टर देखो हेलो क्या हुआ थोर ये लाइट लगी हुई है छोड़ यहाँ पे ना कर नहीं थोर नहीं नहीं ये ले भाई आ गया थोर गेम खेलने वाला प्रोसेस आ गया थोर स्पीक नहीं सेट स्पीक तो चलो अब नीचे भी जाके आते हैं मम्मी पापा को भी मैंने हैप्पी दिवाली नहीं कही है क्योंकि अब तक मैं गया ही नहीं था नीचे क्या बड़ा टेढ़ा तो नहीं है लेट उठा मैं मम्मी पापा डांटना पड़ेगा तो भाई ये गन्ने गुन्ने तो लगा दिए वाह भाई वाह हैप्पी दिवाली पापा जी हैप्पी दिवाली मम्मी क्या कर रहे हो आप लोग क्या कर रहे हो पापा मम्मी ने तो डारा क्या ऊपर लाइट लाइट साफ करो वाह ऐसा क्यों मम्मी अरे तेरी लाइट लगवा दी है सारी चेक कर लेना बनाना इसकी आज जो लाइट कह रहे थे ना वो लगवा दी है दिखाता हूँ देखो ये इधर भी ये दो कम थी ना एक ये होगी और एक ये होगी ठीक है और इस साइड भी कम थी
ये लगी है, रात को दिखाएंगे ये चल रही है तो। ठीक है थोरो, वाह भाई वाह थोर, वाह अच्छा, चलो अब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है कैमरा। चलो फिर थोड़ा खाना खुना खाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। आज पूरे दिन का व्लॉग बनाएगा। चलो नीचे आरके अंकल को भी हैप्पी दिवाली कह आते हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली वापस, हैप्पी दिवाली। थैंक यू। क्या बनाया? नान और पालक पनीर। दिखाना पालक पनीर दिखाई उम्मीद। मानू ने तो शुरू भी कर दिया खाना। कैसा लगा? कौन है मन्नू और मैं? चलो भाई मैं भी खा लेता हूँ, तेरा मेरा नान मैं भी खा लेता हूँ। मनु सही बताइयो कैसा लगा? वापिस करियो एक्शन। अच्छा लजीज रेस्टोरेंट है भाई हिसार में जो बहुत फेमस है, वो उस जैसा कह रही है। बाकी लजीज है, है? तुम चले गूगल में चलाकर मेरे पास आई थी कौन था। मम्मी बुलाओ, सिट डाउन, सिट सिट सिट, बस आराम से बैठ जा। कैसा लग रहा है घर? चल दिखा थोड़ा, आज तू घर दिखा। हाउस टूर बाहर से पहले तू क्या करने लग रही है? नीचे क्या रखा है? ये मैं रंगोली बनाऊंगी। अच्छा हाँ। तो ये मेरा घर है, ये लड़िया होती है। अच्छा। ये दरवाजा होता है, ये गन्ने जो अंकल चूसेंगे आधा आधा बटेगा ये। अच्छा ये इधर तो दिखाई दे कितना अच्छा लगने लगा। और ये पापा के बाद अनुसार ये भी लग चुकी है जब पापा मम्मी ने कहा था। और दो लड़िया यहाँ भी लग चुकी है लेकिन यहाँ अभी भी नहीं लगी। ये दो ही लगी है। अच्छा पापा नीचे खड़े हैं। चलो मम्मी को तो दिखा दे। एक मिनट। ओए ये कौन है? ये हमारा फोन है, इन लोगों को देख के भौंकने लग गया है। आज के दिन इसने शुभ कार्य शुरू किया है। अच्छा मम्मी है क्या मेरी? मम्मी और तम्मी दिवाली क्यों बनाई जाती है? श्री राम 14 साल का वनवास काट के अपने घर वापस आया था तो उसकी खुशी में लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए। अरे ये तो सबको पता है। नहीं आप मोटे मोटे बताओ कि वो बुराई पे अच्छाई की जीत वो दशहरा होता है। तो फिर मैं दिवाली पे बोल दिया मंत्र। दिवाली नहीं होती क्या? बुराई पे अच्छाई अरे होती है। तो ये भी तो पूरा पार्ट है। ये एक अरे तो पर दिवाली का मतलब तो यही हुआ ना कि बुराई पे अच्छाई की खुशी। वो जी दिवाली का मतलब होता है दीपों की माला। मैं बताऊंगी। चलो चलो कोई नहीं, यही होती है।
बताओ। तो दिवाली मनाई जाती है, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, जो मैंने अभी नहीं पहने हैं मैं थोड़ी देर में पहनूंगी, और स्वादिष्ट पकवान खाओ। यहाँ पे हरियाणा में सारे लोग खाते हैं मालपुड़ी और आलू की सब्जी। अच्छा, ये बन चुके हैं, ये रही आलू की सब्जी, ये रही आलू की सब्जी, और ये रही मालपुड़ी। ये मालपुड़ी ये मतलब दिवाली के लिए ही बनाए जाते हैं, और होली वो आना लेते हैं भाई। अच्छा, वाह भाई वाह, ये अपनी फेमस है हरियाणा में भाई मालपुड़े। आप किसी से पूछ लेना, सबको पता है ये हमारी ट्रेडिशनल डिश कह सकते हो आप हरियाणा की। और स्पेशली पापा के लिए बने हैं ये, क्योंकि पापा को बहुत ज्यादा पसंद है। चलो पापा से पूछते हैं। पापा जब भी मालपुड़े खाते हैं ना, तो उनको यूं लगता है कि उनका बचपना वापिस आ रहा है। देखते फिर जल्दी जल्दी चल। ये भी दो गन्ने हैं, ये भी दो गन्ने भाई, ये पूरा घर के आगे लगाने के लिए। ये हमारे पापा हैं। ये ईंटे आ गई है, थोड़ा और कंस्ट्रक्शन का काम होएगा अभी। अभी ये देखो घर, ये देखो घर, पीछे से दिखाता हूँ मैं और अच्छा लगेगा। पहले पापा से पूछते हैं। पापा जी, आपको मालपुड़े इतने पसंद क्यों है? क्यों भाई, बचपन से यही एक डिश है जो सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, आप और मैंने यूं कहा कि आपका बचपना याद आ जाता होगा भाई ये खाते होते, सही बात है? वाक्य में बिल्कुल एकदम से 100% राइट, और मेरी तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली। देखो भाई थोर, जो आप लोग कह रहे थे ना कि रिएक्शन बनाओ क्रैकर्स का, कि थोर मतलब डरेगा या नहीं डरेगा, तो भाई थोर नहीं, सारे जानवर डरते हैं, और ऐसे ही थोर की भी ये पहली दिवाली है और थोर भी बहुत ज्यादा डर रहा है इससे। तो ये देखो ऊपर आके बैठ गया, देखो बिल्कुल शांत बैठे नहीं अब तक, तो ये बोल दे थोर डर गया बेचारा। कोई नहीं, ये पापा और के पास बैठ गया ऊपर, थोड़ा इसको आराम मिलेगा। क्या हुआ मैं पटाखों की आवाज थी बहुत ज्यादा, उससे डर गया ये, और इसलिए इसने कहा कि मुझे गोदी लो, गोदी लेके पापा ने इसको ऊपर अपने पास बैठा। ये ऊपर आ गया था मम्मी और के पास, तो फिर ये इसलिए जब से ऊपर बैठा है। चलो मैं दिखा देता हूँ, पटाखे बजा रहे लोग बाहर, इसलिए इसको डर लग रहा है, बाकी मैं तो बजा नहीं रहा। ये रंगोली बनाई थी, ये बजाने लग रहे पटाखे। तो ये पटाखे बजाने की वजह से ये डर रहा है, देखो पापा के पास वापस कैसे सो रहा है ये। थोर का खाना तैयार हो रहा है, डिनर, और थोर से रुका नहीं जा रहा बिल्कुल भी, देखो ये पटाखे से डरा, देखो है ना। थोड़ा बैठ जा, चलते बैठे बैठ जा, सीधा लेट जा, चल सीधा लेट जा। खाना इसका तैयार हो गया, खाना दे देते हैं। चलो थालू, बैठ। तो दोस्तों एंडिंग कर ही देते हैं ब्लॉग की, क्योंकि अब खाना खाना है, पूजा होगी, उसके बाद फिर सारे बैठेंगे सोएंगे बस उसके बाद। तो इजाजत दो, ठीक है। चलो एक बार मैं आपको थोर वापस में थोर से मिला देता हूँ, एक बार सबसे बाय बाय करवा देता हूँ, ठीक है। कैसा लगा बताना वीडियो की कमेंट सेक्शन में ब्लॉग। और ये देखो जब हम पैडियों से उतरते हैं ना, तो देखो कितना अच्छा लगता है, ये देखो, ये देखो ये चीज। चलो कर दो पापा, बाय कर दो सबको, बाय भाई।
थोर अंदर है, थोर भी बैठेगा पूजा में। बाय कर दे बेटा, बाय बाय कर दे। चल बोले बाय, ऐसे करो ऐसे करो, बाय। चलो बाय करो मम्मी, अगली वीडियो में मिलते हैं सबको। हाँ, पटाखे हम नहीं चला रहे, और मैं शुरू से ही नहीं, मैं कब से, चार पाँच, तीन चार साल तो हो गए ना पापा जी नहीं जला रहे हमें ना, मतलब शुरू में छोटे थे जब जलाते थे, पर अब वैसे ही नहीं जलाते, मतलब कोई यूं कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई पटाखे जलाने पोल्यूशन। हाँ पोल्यूशन होता है, पर एक बात ये भी है भाई, सिर्फ एक दिन की, एक दिन पटाखे जलाने से पूरी दुनिया में पोल्यूशन नहीं होता। हाँ होता है, अगर आप जो ये जो अपने लोग कहते हैं कि पटाखे ना जलाओ ना जलाओ, मत जलाओ, लिमिट में कर लो, पर ये बात भी सरासर सही नहीं है, सिर्फ पटाखों से ही पोल्यूशन होता है, क्योंकि इतनी इंडस्ट्रीज आ रही है, इतना जो चीजें हो रही है ना, अगर इन पे सही तरीके से प्रतिबंध, मतलब सही तरीके से काम करे, तो वो पोल्यूशन रुके ना, उससे काम चलेगा अपना। हाँ पर मैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा कि तुम पटाखे बजाओ, चलो बहुत ज्यादा टेक्निकल बात होगी। हाँ पर ये बात है कि पटाखों से ना एनिमल्स को दिक्कत हो, ऑब्वियस ही बात है। अब थोर भी अंदर क्यों बैठे हैं, देखो अंदर बैठे, क्योंकि इसको भी कहीं ना कहीं पटाखे अच्छे नहीं लग रहे, डर लगता है भाई। सही बात है, सच्चाई इस बात पर मैं मानता हूँ। चलो अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए भाई माता पिता की सेवा करो, और देश का नाम ऊंचा करना भाई, आप सब मिले। बाय बाय।